एवरीवन, सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीफ या फिर स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो स्टेजेस हैं ग्रीफ की वो हमारी 5 स्टेजेस में डिवाइड है। एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था कुबलर रोज। तो इन्होंने क्या था, ये जो स्टेजेस हैं इस ग्रीफ की वो उन्होंने दी थी और इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बताया है, जिसमें हमारा सबसे पहले है डिनाइल, द सेकंड वन इज़ एंगर, द थर्ड वन इज़ बार्गेनिंग, द फोर्थ वन इज़ डिप्रेशन एंड द फिफ्थ वन इज़ एक्सेप्टेंस, जिसे आप एक निमोनिक के थ्रू याद भी कर सकते हैं, डैट इज़ डाब डाब, राइट। तो यहाँ पर डी स्टैंड्स फॉर डिनाइल, ए स्टैंड्स फॉर एंगर, बी स्टैंड्स फॉर बार्गेनिंग, डी स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन एंड फाइनल ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। तो इस निमोनिक के थ्रू आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। सो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिनाइल से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिनाइल। तो वर्ड पे जाइए, डिनाइल, डिनाइल से हम क्या समझते हैं कि मना कर देना, राइट, अगर हम नॉर्मल शब्दों में बात करें तो। सो दिस इज़ द इनिशियल स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स मे फील शॉक और नर्म, रिफ्यूजिंग टू बिलीव द लॉस हैज़ अकर्ड। सो अगर हम डिनाइल की बात करें तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है ग्रीफ की, जिसमें जो इंडिविजुअल होगा, मतलब जिसके साथ लॉस हुआ है, जिसने कुछ खोया है, वो शॉक में चला जाएगा या फिर वो रिफ्यूज़ कर देगा उस चीज़ को मानने से कि उसके साथ सच में कोई लॉस जो है वो हुआ है, राइट। सो डिनाइल में बेसिकली क्या है कि जो पर्सन है वो एक तरह से हम बोले तो साफ इनकार कर देना कि उसके साथ कुछ लॉस हुआ है उसको, इज कॉल्ड डिनाइल। द सेकेंड वन इज़ एंकर। तो इसमें क्या होगा, एंगर जो है हमारी सेकंड स्टेज है ग्रीफ की। इन दिस स्टेज पीपल में एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड इवन रिसेंटमेंट। इट्स कॉमन टू क्वेश्चन व्हाई द लॉस हैपेंड एंड फील एंग्री अबाउट इट, राइट। सो बेसिकली जो एंगर स्टेज है इसमें क्या होगा, जो पर्सन है जिसके साथ लॉस हुआ है, जिसने कुछ खोया है, वो एक्सपीरियंस करेगा फ्रस्ट्रेशन को, इरिटेशन को, वो अपना गुस्सा दिखाएगा बेसिकली। और इसमें एक कॉमन चीज़ जो क्वेश्चन जो आता है, डेट इज़ कि वो क्या है, एंग्री होगा और वो एक क्वेश्चन करेगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, राइट। मतलब जो लॉस उसके साथ हुआ है उस लॉस को लेकर वो अपना गुस्सा दिखाएगा। द थर्ड वन इज़ बार्गेनिंग। ये जो है हमारी थर्ड स्टेज है ग्रीफ की, और इस स्टेज में क्या होता है, द इंडिविजुअल में ट्राई टू नेगोशिएट और मेक डील्स टू चेंज द आउटकम ऑफ द लॉस, दे मे थिंक अबाउट व्हाट दे कुड हैव डन डिफरेंटली टू प्रिवेंट इट, राइट। सो इन बार्गेनिंग आपने देखा होगा, जैसे बेसिकली जो मदर्स होती हैं जब वो ग्रोसरीज़ के शॉपिंग के लिए जाती हैं या फिर कुछ भी शॉपिंग के लिए जाती हैं मार्केट में, तो जो शॉपकीपर होता है वो उनसे बार्गेनिंग स्टार्ट कर देती हैं कि फॉर एग्जांपल कि उनको कोई भी ड्रेस लेनी थी और उसका जो एक्चुअल प्राइस था डेट इज़ 1000, और वो शॉपकीपर से बोलती हैं कि नहीं मुझे 350 में चाहिए, 350 में, तो डेट इज़ कॉल्ड बार्गेनिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, बार्गेनिंग से अगर हम मतलब समझें तो जो पर्सन है जिसके साथ लॉस हुआ है वो क्या करता है, वो बार्गेनिंग स्टार्ट कर देता है, और वो बार्गेनिंग किससे करता है, गॉड से करता है, भगवान से, अगर उसने कुछ भी लॉस हुआ है कि आप मेरे को ये वापस कर दीजिए, या फिर आप मतलब वो नेगोशिएट करना स्टार्ट कर देता है कि वो ऐसा क्या कुछ अलग कर सकता है जिससे जो लॉस हुआ है वो प्रिवेंट हो सके, राइट। नाउ द फोर्थ वन इज़ डिप्रेशन। दिस स्टेज इन्वॉल्व फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस, होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, पीपल में विड्रॉ फ्रॉम अदर्स एंड फील ओवरवेम्ड बाय द लॉस। सो बेसिकली डिप्रेशन जो है हमारी फोर्थ स्टेज है ग्रीफ की, और इसमें जो पर्सन होगा जिसने लॉस को मतलब देखा है या जिसके साथ लॉस हुआ है, वो क्या होगा, हेल्पलेस, होपलेसनेस फील करेगा, और वो सोचेगा कि मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, इसके साथ क्या है, वो डीप सैडनेस में चला जाएगा। सो दिस स्टेज, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, मतलब पेशेंट जो है बेसिकली वो थोड़ा डिप्रेस्ड इसमें फील करता है, और वो अपने आप को क्या करता है, सबसे अलग विड्रो कर लेता है फ्रॉम द सोसाइटी। नाउ द लास्ट स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस वर्ड पे जाइए, एक्सेप्टेंस का मतलब है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, राइट। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेज एंड इट इज़ अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद द लॉस एंड फाइंडिंग अ वे टू मूव फॉरवर्ड,
ये जो है एक्सेप्टेंस हमारी फिफ्थ और हमारी लास्ट स्टेज है ग्रिफ की। इसमें जो पर्सन है वो एक्सेप्ट करता है जो लॉस उसके साथ हुआ है और ट्राई करता है कि वो उससे आगे बढ़े। एक्सेप्टेंस डजेंट मीन हैप्पीनेस बट रेदर एक्नॉलेजिंग द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन एंड फाइंडिंग अ वे टू लिव विद इट। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो हैप्पी है, बट उसका ये मतलब होता है कि वो जो रियलिटी है जो उसके साथ सच में हुआ है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करे और एक वे निकाले जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी को जी सकता है। अब हम इसको आप इस इसमें देखिए इमेज में, यहाँ पे आपको फिर से दिखाया गया है द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। तो इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक वुमेन है और उसने अपने हस्बैंड को लॉस किया, राइट, मतलब उसके जो हस्बैंड है वो उनकी डेथ हो गई है। तो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट उसका एक्शन होगा डैट विल बी डिनाइल, मतलब जैसे ही वुमेन को पता चलेगा तो वो क्या है, वो मना कर देगी ये एक्सेप्ट करने से कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे हस्बैंड नहीं रहे, ठीक। फिर हमारी सेकंड स्टेज आती है एंगर की। उसके बाद जब वो इस चीज़ को देखेगी कि सच में ऐसा हुआ है तो वो क्या है, वो अपना गुस्सा दिखाएगी किसके ऊपर, भगवान के ऊपर कि आपने ऐसा क्यों करा मेरे साथ, ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हुई हैं और मतलब मेरे हस्बैंड को आपने मुझसे क्यों छीन लिया। वो जो है बेसिकली कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगी गॉड के साथ में उसके बाद में, और अपना जो गुस्सा है वो दिखाएगी, ठीक, भगवान को लेकर के या किसी को भी लेकर के, राइट। अभी हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें हम भगवान को ऐसा ले रहे हैं। नाउ द थर्ड इज़ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग में वो क्या है, वो स्टार्ट कर देगी कि भगवान ऐसा नहीं हुआ हो, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि ऐसा कि मतलब हस्बैंड को हल्की सी चोट आई हो और ऐसा नहीं कि मतलब उनकी डेथ हो गई हो। बार्गेनिंग बेसिकली वो स्टार्ट कर देगी। उसके बाद में द फोर्थ वन इज़ डिप्रेशन। जब उसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि नहीं ये सच में हुआ है तो वो थोड़ा डिप्रेशन के अंदर जाएगी, सैड फील करेगी, अपने आप को सबसे अलग कर लेगी। एंड नाउ द लास्ट वन इज़ एक्सेप्टेंस। फाइनली वो आकर के ये चीज़ एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये चीज़ हकीकत है और ये सच है कि उसके जो हस्बैंड हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सो ये स्टेजेस ऑफ ग्रीफ के बारे में हमने समझ कर देखा। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं दो फ्रेंड्स का ले लेते हैं, राइट, कि एक बेसिकली एक फ्रेंड है वो अपने दूसरे फ्रेंड के घर पर गया है, राइट, और वो वहाँ पर जा कर के मतलब उन लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है और अभी वो उसके घर से निकल के मतलब अपने घर के लिए वापस जा रहा है। अभी रास्ते में क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसको जो है मतलब बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, सीवियरली, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक उसको चोट आ जाती है। तो उसका जो वो जो है मतलब जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ के जो आसपास वाले होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके फ्रेंड को पता चलता है और वो क्या, जैसे ही उसका फ्रेंड को चीज़ पता चलती है कि उसका जो फ्रेंड है उसको क्या है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सबसे पहले उसका जो एक्शन होगा वो ये होगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तो मेरे पास था मेरा फ्रेंड और अभी हम लोग ने अच्छा इन्जॉय कराया, मूवी देखी है, गेम खेला है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करेगा, वो एंगर शो करेगा कि मैंने उसको बोला था कि तू आज मत जा, तुझे मैंने बोला था कि अभी बहुत रात हो चुकी है। उसको अपने बेसिकली फ्रेंड को वो मतलब गुस्सा करता है अपने फ्रेंड के ऊपर ही कि मैंने उसको मना करा था कि मत जा, कल जाना था अभी, लेकिन उसको मेरी सुनता नहीं है और वो अभी गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जब वो आएगा तो वो बार्गेनिंग स्टार्ट कर देगा। बार्गेनिंग मतलब अब क्या है कि वो जैसे जस्ट सपोज़ वो अपनी बाइक लेकर के निकला है अपने फ्रेंड को देखने के लिए कि उसका फ्रेंड है कहाँ पे, जहाँ पे उसको चोट लगी है वो उस जगह पे जा रहा है, तो वो रास्ते में भगवान से बार्गेनिंग करते हुए जा रहा है कि भगवान उसको बहुत ज़्यादा चोट ना लगी हो, हल्की सी पैर में खरोच आई हो या हल्की सी हाथ में खरोच आई हो, ज़्यादा उसको चोट ना लगी हो, और अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर मैं भगवान आपको इतने लड्डू चढ़ाऊँगा, मतलब बेसिकली एक बार्गेनिंग स्टार्ट कर देना भगवान के साथ में। फोर्थ वन में क्या है कि जब उसने जाकर के देखा अपने फ्रेंड को उस साइट पे जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसने देखा कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो उसका डिप्रेशन के अंदर चला जाना कि मेरे फ्रेंड को इतनी चोट लग गई है, और बहुत ज़्यादा खुद को दुखी होना, सैड फील करना, अपने आप को सबसे अलग कर लेना, डिप्रेशन, एंड देन फाइनली ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि उसके फ्रेंड को सच में चोट आई है।
राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नॉट एवरी वन गोज थ्रू दीज स्टेजेस इन अ लाइनर ऑर्डर. ये चीज़ हमें और समझने की ज़रूरत है कि हर जो इंडिविजुअल है वो एक अलग है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान मतलब इन स्टेजेस में एक लीनियर ऑर्डर में जाए. मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिनाइल के बाद वो एंगर ही शो करे अगर हम रियलिटी में बात करें तो. एंड सम पीपल में एक्सपीरियंस डैम डिफरेंटली. मतलब कुछ पीपल इस चीज़ को डिफरेंट वे में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि डिनाइल के बाद वो डायरेक्ट बारगेनिंग वाली फेज़ में जा सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिनाइल के बाद एंगर में ही जाएंगे. राइट. ग्रीविंग इज़ अ पर्सनल प्रोसेस एंड इट्स ओके टू सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग दिस टाइम. इफ़ यू आर समवन यू नो इज़ स्ट्रगलिंग विद ग्रीफ, इट कैन बी हेल्पफुल टू टेक अ काउंसलर और थेरेपिस्ट फॉर एडिशनल सपोर्ट. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू एंड इफ इट वॉज दैट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर टूडे दैट्स इज ऑल अबाउट इट. सो थैंक यू.